ये आप लोग क्या बेच रहे हैं? एक्चुअली बच्चों को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना था क्योंकि 14 नवंबर को हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, उस टाइम पे सेलिब्रेशन हो नहीं पाया था। हर साल ही सेलिब्रेशन किया जाता है इसी तरीके के फॉर्म में, तो इस साल थोड़ा सा हम लोग को लेट हो गया, तो आज हम उन्हें किया है। इसमें इसको हम लोग एक हुनर हाट कह सकते हैं, जिसमें बच्चों ने अपने आप ही चीज़ें बनाई हैं और बना करके सेल कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं, जैसे पापड़ चाट है तो उसमें पापड़ भी बच्चों ने घर पे ही बनाए हैं, उसके कोन बनाना सारी प्रिपरेशन बच्चों ने खुद ही किया है। चाट के काउंटर में भी बताशे का काउंटर जो बनाया है बच्चों ने, उसमें भी बच्चों ने अपने आप ही सब प्रिपरेशन किया है। यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं उसमें देखिए ज़्यादातर बच्चों ने अपने आप ही चीज़ें बनाई हैं और उसको सेल कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बच्चे अपना जो भी काम करें उसमें 100% अपना देने की कोशिश करें, उसी से उनका सक्सेस आएगा। जैसे ये अभी फन गेम ही है, इसमें अपने मन से वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में भी अपना 100% दें। जो भी वो काम करें फ्यूचर में उसमें पूरा मन लगा के काम करें, उसी से उनको सक्सेस मिलेगा। गार्जियंस के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? गार्जियंस के लिए मैसेज बस यही है कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, और आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो बच्चों को सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अच्छे से ज़्यादा नुकसान देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मैम, जैसे देखा जा रहा है कि गर्ल्स का स्कूल है और बहुत सी घटनाएं गर्ल्स के साथ हो रही हैं, तो सोशल मैसेज क्या रहेगा आपके लिए जो बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहें? मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है और गार्जियंस का थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर पेरेंट और टीचर सभी लोग थोड़ा सा बस ध्यान दें कि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में काम करें, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो वो गलतियों से बच सकते हैं। आपका नाम? डॉक्टर रुचि ठाकुर। बाल मेले का आयोजन है, वैसे तो ये मार्च बाल मेला 14 नवंबर को होना चाहिए। हमारे यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षाएँ चल रही थी और इन परीक्षाओं के चलते हम ये आयोजन नहीं कर पाए। बच्चों की डिमांड थी कि इस प्रकार का प्रोग्राम होना चाहिए बाल दिवस के पर, तो जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमारे समाप्त हुए और बच्चों ने डिमांड रखी तो इस पर हम लोगों ने विचार किया और इस प्रोग्राम को करने की अनुमति आज के दिन यानी 23 तारीख को प्रदान की गई, और बच्चे जो है एक बाल मेले के रूप में विभिन्न प्रकार के जो स्टॉल्स जो है लगाए हुए हैं, अभिभावकों को भी आने की अनुमति दी गई है ना, वो भी आए हुए हैं, थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं। हमारा स्टाफ, हमारा पूरा मैनेजमेंट ठीक यही चाहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, यानी शिक्षा के साथ साथ कुछ उनका अदर जो अन्य जो हैं उनका भी हर प्रकार से डेवलपमेंट हो सके, इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। आर के रस्तोगी। बच्चों को स्टॉल लगाने का पर्पज उद्देश्य हम लोगों का ये है कि शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर की जो अदर शक्तियां हैं उनको भी निखारना हम लोगों का उद्देश्य है, कि आप किस किस क्षेत्र में, कोई गेम के क्षेत्र में है, कोई स्टॉल लगाने में किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, खाना बनाने में या कोई चीज़ बनाने में, इस तरीके से बच्चों की शक्तियों को हम लोग उभारते हैं और कौन किस क्षेत्र में जाएगा उसका उस विकास उस क्षेत्र में हम लोग डेवलप करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह, वाइस प्रिंसिपल।